अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है बिलाल साहब? ठीक हो? खैरियत है? अच्छा सर, ये चार सौ टन वाली ट्रेन हमारी जो है वो अपनी जगह पे आ गई है, जहाँ पे आके इसका रिंगर लगना है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसने इधर रुकना है, नौ कॉलम बार वाली साइड से लगाएंगे और दस रैकर बीम जो है वी आई पी एरिया में इसने लगाने हैं। उसी जगह पर ये रुकेगी, रुकने के बाद जब ये काम मुकम्मल होगा उसके बाद उसका बूम उतरेगा, बूम उतरने के बाद रिंगर उतरेगा, रिंगर उतरने के बाद जैक उतरेंगे, जैक उतरने के बाद फिर ये आगे जाएगी। तो ये हमारी ट्रेन जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सेंटर करके बिल्कुल सेंटर में ओके हो गई है। फिल्म होने के बाद इसने आना था इधर, फिल्म होने के बाद अपनी जगह पर आ गई है। तो अभी इसकी जो है शुरुआत जो है वो जैकों से होगी। जैक ये जो हमारे सामने पड़े हुए हैं ये रिंगर के जैक का जैक लगेंगे। जैक लगने के बाद चार हिस्सों में हमारा रिंगर है जो मुकम्मल नट बोल्ट है, वो नट बोल्ट रिंगर है वो चार हिस्सों में लगेगा। चार हिस्सों लगने के बाद रिंगर नट बोल्ट होगा, नट बोल्ट होने के बाद इसकी वेंच लगेगी। वेंच का मतलब यानी कि जिस पे रस्सियाँ हैं हमारे बूम उसके बड़ी हुक के, और हुक के बाद जो गोला होता है उसके रस्सियाँ, उसके रस्ते जो है वो उधर से कास्ट होंगे, वो हमारी वेंच लगेगी। वेंच का एक प्रॉपर तरीके से प्लेटफार्म होता है, प्लेटफार्म के ऊपर वेंच रखी जाती है और जो है वेंच के बाद उसके प्रॉपर तरीके से आगे पुलियाँ चलती हैं, पुलियों में से रस्सा गुजर के पूरे बूम के ऊपर पुलियाँ होती हैं, पुलियों में रस्सा गुजरता जाता है और आगे हुक में जा कर रस्सा रुकता है जहाँ पे विज लगती है, जिसको विज बोलते हैं, जहाँ पे हमारा क्लंप होता है, जहाँ पे यू क्लंप लगते हैं उधर बिल्कुल हैंग हो जाता है रस्सा। ये जो हमारी ट्रेन है 400 टन की, अभी इंशाल्लाह थोड़े दिन का ही काम रह गया जो है, काफ़ी मेन काम जो है वो हम कर चुके हैं। यानी मेन काम हमारा रह रहा है एक बूम का, और बूम के अलावा हमने वेट रखने हैं। वेट रखने के बाद एक मास होता है और वो मास लगेगा। मास में जो है रस्सा टाइप के, शिलिंग वायर टाइप के लंबे लंबे रस्से होते हैं, उनको हम ब्रेसिंग भी बोल सकते हैं और पंजाबी जबान में उनको खींचे भी बोलते हैं। वो जो है हमारी ब्रेसिंग होगी, ब्रेसिंग होने के बाद टाइट हो जाएगी। टाइट होने के बाद हम जो पहला लोड उठाएंगे वो हमारा है 38 टन का। तो 38 टन का हमारा फ्रंट पे रैकर बीम आ रहा है और बार वाली साइड पे जो कालम है वो कालम है हमारा 17 टन का, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी है 20 टन की। ये जो 80 मीटर का रेडियस है, रेडियस बनने के बाद ये जो हमारा कालम लगेगा वो है 17 टन का, लेकिन हमारे पास प्रॉपर तरीके से जो कैपेसिटी है वो 20 टन की है बार वाले कालम की। तो 3 टन हमारा ज़्यादा ही है। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर हम इसके गार्डर अनलोड कर रहे हैं उस तरफ हम आपको लेके चलते हैं, जहाँ पे हमारा रिंगर आया हुआ है चार पीसों में, वो रिंगर दिखाते हैं। हमारी 50 टन वाली क्रेन जो है पैरागॉन की वो अनलोड कर रही है, आ जाएं आपको हम वो दिखाते हैं। ओके, अभी जो है हमारा गार्डर पहला गार्डर उतर चुका है, दूसरे गार्डर की तैयारी है। वहाँ पर हमें 50 टन वाली क्रेन जो है वहाँ से उठाएगी, वहाँ से नीचे रुकेंगे, सामने रखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे पैकन नहीं है हमने, उसी कारण से हमारे जो है रिंगर के पीस भी हैं चार, वो चारों पीस जो है वो अनलोड होंगे। अनलोड होने के बाद वही पीस जो है ज़्यादा नज़दीक रख रहे हैं, इसलिए कि ये हमारी 50 टन की ट्रेन जो है वो इसी से उठा के और इसमें लगा सके। ये सामने जो एक पीस रखे हुए हैं, चार गार्डर हैं, माना कि दोनों तरफ दो गार्डर चलेंगे। गार्डर चलने के बाद इसका रिंगर आएगा और चार हिस्सों में रिंगर लगेगा नट बोल्ट। ये हमारी 50 टन वाली ट्रेन है पैरागॉन की, वो अनलोड कर रही है सबके ट्रक। और अभी मेरे ख्याल में चार पेटियाँ जो है दो दो मीटर की पेटियाँ इसने खोली हुई हैं, क्योंकि इसके पास पीछे वेट कम है, वेट कम होने की सलाहियत इतनी नहीं रखती। ये दूसरा ग्रेडियंट इसका कम है और कम डिग्री पे इसको जो है वो लोड अनलोडिंग करनी पड़ती है। दूसरा ट्रोला खाली होने के बाद ये ट्रेन हमारी लेवल हो चुकी है। लेवल होने के बाद गार्डर लगेंगे, गार्डर लगने के बाद हमारे चेक लगेंगे रिंगर वाले दो गार्डरों के, उसके बाद हमारा रिंगर लगेगा, रिंगर के बाद हम बूम की शुरुआत करेंगे। और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं जिसमें हम बूम लगा रहे हैं।